पुलिस हिरासत विच नजर आ रहा यो जालम पुत है जिसने अपनी मां दा बड़ी बेरहमी दे नाल कतल कर दिता ते फिर फरार हो गया सी। कतल करन दा कारण ए सी कि इस पुत दा चक्कर पिंड दी ही एक व्याहुता दे नाल चल रहा सी। जदो मां नू इसका पता लग गया ते मां ने इस नू रोकन दी कोशिश कीती पर पुत उसी व्याहुता प्रेमिका दे नाल व्याह करवाना चाहुंदा सी ते मां राह दा रोड़ा बन रही सी जिस नू हटाउण दे लई इस पुत ने जरा भी गुरेज नहीं किया। जिन्हों लाडा नाल पालिया उसे ने ही चाकू मार के बेरहमी नाल अपनी ही मां दा कतल कर दिता है। जिस तो बाद अपनी प्रेमिका नू लै के मौके तो फरार हो गया। पुलिस दे वल्लों लगातार इसकी भाल की जा रही सी ते आखिरकार इस नू गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला सोनीपत तो सामने आया सी। सोनीपत दे इक पिंड दे विच इस पुत ने अपनी ही मां दा बेरहमी नाल कतल किया सी ते प्रेमिका नू लै के फरार हो गया सी। फिलहाल इस नू अदालत च पेश करके रिमांड हासिल किया गया है ते पुछ पड़ताल की जा रही है। थाना कुंडली के अंतर्गत एक FIR नंबर 96 जो 302/506/120B IPC की दर्ज की गई है, जिसके अंदर एक महिला निर्मला वाइफ ऑफ बलराज, उसका मर्डर उसके बेटे के द्वारा अनवीन के द्वारा किया गया है। जो कि सारी घटना जो है वो एक महिला के साथ, जो गांव की महिला थी शादीशुदा, उसके साथ लड़के नवीन के संबंध थे और वो उसको रखना चाहता था, और जिस पर परिवार जो है एतराज करता था, मृत का और उसका परिवार, और जो लड़के के इस कार्य से नाराज था जिसके कारण उनको उन्होंने अपना बेदखल भी किया हुआ था लड़के को। लेकिन 7 तारीख को दोपहर के समय करीब 1 बजे के आसपास इन दोनों का आपस में इसी मुद्दे को लेकर बात हुई, जिस पर लड़के ने चाकू से अपनी मां का कत्ल कर दिया, जो कि उसके पिता ने कत्ल करते हुए उसको देखा, रोका और वो उसको धमकी देकर और घर से चाकू सहित भाग गया था, जिसको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रेन नंबर 8 से जो एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके और आगे की कार्रवाई और रिकवरी वगैरह वो की जा रही है, और जिसमें महिला जो है वो भी 120B की एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस हिरासत विच नजर आ रहा यो जालम पुत है जिसने अपनी मां दा बड़ी बेरहमी दे नाल कतल कर दिता ते फिर फरार हो गया सी। कतल करन दा कारण ए सी कि इस पुत दा चक्कर पिंड दी ही एक व्याहुता दे नाल चल रहा सी। जदो मां नू इसका पता लग गया ते मां ने इस नू रोकन दी कोशिश कीती पर पुत उसी व्याहुता प्रेमिका दे नाल व्याह करवाना चाहुंदा सी ते मां राह दा रोड़ा बन रही सी जिस नू हटाउण दे लई इस पुत ने जरा भी गुरेज नहीं किया। जिन्हों लाडा नाल पालिया उसे ने ही चाकू मार के बेरहमी नाल अपनी ही मां दा कतल कर दिता है। जिस तो बाद अपनी प्रेमिका नू लै के मौके तो फरार हो गया। पुलिस दे वल्लों लगातार इसकी भाल की जा रही सी ते आखिरकार इस नू गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला सोनीपत तो सामने आया सी। सोनीपत दे इक पिंड दे विच इस पुत ने अपनी ही मां दा बेरहमी नाल कतल कीता सी ते प्रेमिका नू लै के फरार हो गया सी। फिलहाल इस नू अदालत च पेश करके रिमांड हासिल कीता गया है ते पुछ पड़ताल की जा रही है। थाना कुंडली के अंतर्गत एक FIR नंबर 96 जो 302/506/120B IPC की दर्ज की गई है, जिसके अंदर एक महिला निर्मला वाइफ ऑफ बलराज, उसका मर्डर उसके बेटे के द्वारा अनवीन के द्वारा किया गया है। जो कि सारी घटना जो है वो एक महिला के साथ, जो गांव की महिला थी शादीशुदा, उसके साथ लड़के नवीन के संबंध थे और वो उसको रखना चाहता था, और जिस पर परिवार जो है एतराज करता था, मृत का और उसका परिवार, और जो लड़के के इस कार्य से नाराज था जिसके कारण उनको उन्होंने अपना बेदखल भी किया हुआ था लड़के को। लेकिन 7 तारीख को दोपहर के समय करीब 1 बजे के आसपास इन दोनों का आपस में इसी मुद्दे को लेकर बात हुई, जिस पर लड़के ने चाकू से अपनी मां का कत्ल कर दिया, जो कि उसके पिता ने कत्ल करते हुए उसको देखा, रोका और वो उसको धमकी देकर और घर से चाकू सहित भाग गया था, जिसको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रेन नंबर 8 से जो एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके और आगे की कार्रवाई और रिकवरी वगैरह वो की जा रही है, और जिसमें महिला जो है वो भी 120B की एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई है।